काफ़ी लोग हैं जो पीड़ित हैं कोरोना से, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आज बैलेंसिंग एक्ट की है, काफ़ी लोग हैं जो बैलेंस देख रहे हैं। सोचा क्यों ना लाइफ में क्या बैलेंस कर सकते हैं, कैसे बैलेंस करना चाहिए या फिर लाइफ बैलेंस हो जाती है, इस पर आज एक चर्चा करें। एक कहानी के जरिए मैं आपको ये अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ज्योतिष जो आज नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ एक ज्योतिष थे, वो अपनी सितारों को देखकर अपनी ज्योतिष विद्या को लोगों तक पहुँचाते थे। और ऐसे ही एक गांव था जब लोग उन पर आस्था रखना शुरू करते हैं और लोग उनकी बात मानते हैं। ज्योतिषी क्या होता है, उनकी कही हुई बात या तो सही होती है या फिर दूसरी तरफ गलत होती है। तो बैलेंसिंग एक्ट तो यही समझ में आ गया कि आप कुछ कहते हैं या तो वो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। तो बैलेंस जब लोगों को ये दिखने लगा कि ज्योतिष है और ये फ्यूचर के बारे में जानते हैं, और हम इसीलिए ज्योतिष के पास जाते हैं क्योंकि हमें एक आस्था होती है कि हमारे फ्यूचर में क्या है, एक उत्सुकता होती है हमें जानने की, और ज़्यादा जानने की कोशिश ये रहती है कि क्या हमारे लिए भविष्य ने कुछ अच्छा रखा है या नहीं। एक दिन जब ये सितारों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे तो शाम का वक्त था, देखते देखते इन्हें कहीं लगा कि शायद सितारे ये कह रहे हैं कि दुनिया अब अंत की तरफ जा रही है। और वो सोचने लगे कि अब दुनिया अंत की तरफ जा रही है, ये मुझे लोगों तक बताना चाहिए। और वह जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ा रहा था तो उसने देखा कि अचानक वह एक गीली जमीन पर अपने पैर रख रहा है, जहाँ पर हल्का कीचड़ है, पानी से भरी हुई जगह पर काई भी है। और वो जब तक संभलता, अपने आप को संभालता, वो उस कीचड़ भरे पानी में गिर जाता है। और जब वो गिरता है तो अपने हाथ पैर सब छटपटाता है, वो तमाम पत्थर या फिर कोई साबुत सी चीज़ होती है उसे वो खरोचने की कोशिश करता है। और जब वो धीरे धीरे उस दलदल में फंसने लगता है तो चिल्लाने पुकारने लगता है। एक समय ऐसा भी आता है जब उसकी चिल्लाने की पुकारने की आवाज़ रोने पर तब्दील हो जाती है, और जब वह रोने लगता है और रोकर चिल्लाने लगता है तो वहाँ के तमाम लोग उसकी आवाज़ सुनते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं और उसे जैसे तैसे बचाते हैं। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति होता है जो जैसे ही निकालते हैं उस ज्योतिष को तो उसे कहता है कि आप तो भविष्य जानते हैं, आप अक्सर हमें भविष्यवाणी करके हमें सचेत करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन क्या आपको एक छोटी सी चीज़ नज़र नहीं आई, सितारों को देखते हुए आपने पैरों तले अपने ज़मीन के नीचे में काई नहीं दिखाई दी, आपको वो दलदल नहीं दिखाई दिया? ये सोचने का विषय बन गया। दूसरे व्यक्ति ने और भी खतरनाक तरीके से कहा, सितारों को पढ़ने के लिए जब आप नहीं देख सकते कि क्या धरती पर है तो फिर आपकी भविष्यवाणी किस काम की? हम सभी चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, खुशहाल हो, अच्छा हो, कौन नहीं चाहता एक्चुअली। और समय किसी के लिए रुकता नहीं, ये भी हम अच्छे से देख रहे हैं। हमने ये देखा है कि पिछले साल हम कितने खुश थे, इस साल हम उतने पीड़ित हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम इतने पीड़ित रहेंगे ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो आपका वर्तमान भी आपका एक भविष्य का हिस्सा है। ये आज हम समझ जाएं कि कोई भी अटकलें लगाना और भविष्य के बारे में बुरा सोचना, ये शायद गलत होगा। आगे देखना और सुधारने के लिए हमेशा एक कल ज़रूर होता है जो आने वाला कल होता है, लेकिन आप कल पर वापस नहीं जा सकते जो बीता हुआ कल है। इसलिए बेहतर कल के लिए कामना करते हुए हम अपने वर्तमान को जितना संतुलित रख सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं, उतना हमें ज़रूर कोशिश करना चाहिए। यदि आप अच्छा चाहते हैं कि कल बेहतर हो तो आज के विकल्प में वर्तमान के विकल्प को खोजिए और अपने आप को जितने पॉजिटिव रख सकते हैं, जितने सकारात्मक रख सकते हैं, उतना रहने की कोशिश कीजिए। आपके पास कई सवाल होंगे और उसके जवाब भी होंगे, मगर यदि आप जवाब बाहर ढूंढ रहे हैं तो शायद आपको कभी नहीं मिलेंगे। आइए कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। सत्य को कटु होना वाजिब है, जाहिर सी बात है। तो एक बार भगवान गधे को बनाते हैं और उससे कहते हैं कि आप गधे होंगे और सभी का बोझा उठाएंगे और आपकी उम्र लगभग 40 के आसपास होगी, तो आप 40 साल जिएंगे ऐसा काम करते हुए। गधे ने कहा, बोझा ढोना ये तो ठीक है, लेकिन जीवित रहना 40 साल मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। एक काम कीजिए भगवान, यदि आप ये ऐसा करना ही चाहते हैं तो आप 40 ना देते हुए
30 साल दे और भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। फिर भगवान ने अपना मुंह मोड़ा और कुत्ता बनाया। कुत्ते को कहा कि तुम कुत्ते बनोगे, लोगों की देखभाल करोगे, लोगों के सामान की देखभाल करोगे और लोगों के साथ रहोगे, वहीं जो भी आपको मिलेगा वो खाओगे, तुम्हारे स्वामी के सुपुर्द रहोगे। तो जब कुत्ते ने बात समझी तो उन्होंने कहा ठीक है, ये मैं बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान कहते हैं कि आपको 40 साल दिए ऐसा करने के लिए। कुत्ते ने कहा आपकी सभी शर्त मंजूर है ऊपर वाले, लेकिन ऐसी नौकरी 40 साल तक मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को सिर्फ 20 साल दीजिए, ये बहुत होता है। तो भगवान ने कुत्ते की बात भी मान ली और कहा कि ठीक है, तू काम समझ गया है क्या करना है, जा अपने स्वामी की सेवा में लग जा, लेकिन 20 साल कह रहा है तो 20 साल दिए। इसके बाद भगवान ने बंदर को बनाया। बंदर से कहा तुम बंदर बनोगे, अपनी चाल से दूसरों का मनोरंजन करोगे और आप 40 साल तक जीवित रहोगे। उसने कहा 40 साल? बंदर बोला ठीक है, मनोरंजन का कार्य है, मैं बड़े भली भांति कर लूंगा, अच्छे से कर लूंगा, खूब रिझाऊंगा लोगों को, हंसाऊंगा और उनको अच्छा रखूंगा, लेकिन ये 40 साल बहुत ज़्यादा हो गए, एक काम करो भगवान मेरे को भी 30 साल दो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 30 साल बहुत होते ऐसे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ और आपको भी मैं वैसा ही करता हूँ, बंदर जिए तो 30 साल जिए। भगवान ने सोचा कि ये तीनों ने तो बैलेंस कर लिया अपने आप को, ऐसा काम समझकर और अपने लिए कम जीने का प्रस्ताव रखा, चलिए मैं अब एक काम करता हूँ, मनुष्य को बनाता हूँ। मनुष्य को बनाना शुरू किया और भगवान ने उसे उसका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया। भगवान कहते हैं कि हे आदमी, तुम आदमी कहलाओगे, 25 साल तक जीवित रहोगे और अपने सभी प्राणियों पर हावी होगे। तुम, मैंने ऑलरेडी कुत्ता बना दिया, मैंने बंदर बना दिया, मैंने गधा बना दिया, इन सबसे ऊपर रहोगे। फिर उस आदमी ने कहा बाकी सब तो ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है भगवान, लेकिन 25 साल जो है ये समझ में नहीं आ रही है, 25 साल बहुत कम है, मेरे को ऐसा लगता है 10 साल गधे ने जो मना किया है वो 10 साल आप मुझे दे दीजिए, 20 साल कुत्ते ने मना किया वो आप मुझे दे दीजिए, और 10 साल जो बंदर ने भी कह दिया कि वो 10 साल छोड़ देगा, वो छोड़े हुए 10 साल भी ऐड कर लीजिए और मेरे को दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है मनुष्य, अगर तुझे दिए थे 25, तो बाकी जो बचे हैं 10, 20 और 10, 40 और ऐड कर ले, उतने साल तू जी लेना, इसमें क्या है, मैंने सबकी बात रखी है, तेरी बात भी रखता हूँ। तो तब से एक आदमी के रूप में 25 साल एक आदमी इंसान की तरह जीता है, गधे के रूप में 10 साल रहता है, अपने घर का सारा बोझा ढोता है, कुत्ते के रूप में वो 20 साल गुजारता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है और जो कुछ भी दिया जाता है उसे खाता है, बंदर की तरह वो 10 साल घर घर जाकर अपने पोते पोतियों का मनोरंजन करते हुए जीवन का सबसे दुखद सत्य यही है कि ऐसी हालत में जब भगवान ने सबको सब कुछ दिया था और निश्चित दिया था, नियमित दिया था, लेकिन मनुष्य ने अपनी लालच को कभी मरने नहीं दिया, और जब वो इस बैलेंसिंग एक्ट को, इस कॉम्प्रोमाइज़ को, इस नेगोशिएशन को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, तो वो तमाम वो उम्र जो छोड़ी हुई है बंदर, गधे ने और कुत्ते ने, वो अपने हिस्से में ले लेता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो ज़िंदगी उन्हें दी है, वो बची हुई ज़िंदगी जो वो मांग रहा है, उन मनुष्य को ठीक वैसे ही गुजारनी होगी जैसे कि ये जानवरों की होती है। बैलेंसिंग एक्ट, जी हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में दो प्रकार के लोग हमेशा से पाए जाते हैं, बैलेंसिंग एक्ट को समझते हुए ये उदाहरण बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जो अभी मदिरा पान कर रहे हैं, मैखाने बंद हैं, लेकिन उनके साथ में बैलेंसिंग एक्ट वाले लोग हमेशा पाए जाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स मंगाते हैं और चखने का अंत करते हैं, बैलेंसिंग एक्ट। ऐसे लोग हैं जो जोकर को सर्कस में या फिर मनोरंजन को बहुत अच्छे से मानते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो सुपरमैन या बैटमैन का हमेशा एस्पिरेशन करते हैं, उन्हें आइडलाइज करते हैं, बैलेंसिंग एक्ट। एक लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत गहराई से सोचते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो वाकई में बुद्धिमान होते हैं, सोचते नहीं हैं, कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कंटेंट राइटर होते हैं, लेखक होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो बहुत कुछ अपने लिए पढ़ने के लिए निकाल लेते हैं समय और पढ़ भी लेते हैं, बैलेंसिंग एक्ट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज़ बात करते हैं लेकिन करीब नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी कभार एक बार फ़ोन कर लेते हैं लेकिन अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं, बैलेंसिंग एक्ट।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके नंबर पहुंच से बाहर होते हैं। कोरोना काल में ऐसे लोग कहीं होंगे जिनके जिनको कॉल किया होगा, जिनसे आपने मदद मांगी होगी, लेकिन वो दूर ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं खड़े जब आपको जरूरत होती है और आपका काम आगे निकाल लेते हैं। बैलेंसिंग है। कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश प्रीमियर लीग देखने में बड़े आनंद लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी एक क्रिकेट लगे रहते हैं। जी हाँ, फिर चाहे वो लाइव क्रिकेट देख रहे हो, हाइलाइट्स को देख रहे हो, या फिर यूट्यूब में जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं और क्रिकेट को नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। बैलेंसिंग एक्ट। कुछ लोग महेंद्र सिंह धोनी को बहुत प्यार करते हैं और कुछ लोग होते ही नहीं। कौन है जो महेंद्र सिंह धोनी को प्यार नहीं करता? जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ में अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत महान होते हैं। बैलेंसिंग एक्ट। कुछ लोग होते हैं जो स्टीव जॉब को फॉलो करते हैं, स्टीव जॉब उनका आइडल होता है, और कुछ ऐसे प्रकार के भी लोग होते हैं जिनको लगता है कि एप्पल महंगा है। बैलेंसिंग एक्ट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे दिखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्लासी होते हैं। बैलेंसिंग एक्ट। कुछ लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, और कुछ लोग स्मार्ट होते हैं। बैलेंसिंग एक्ट। जैसे कि आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा वर्क फ्रॉम होम और वो जो ऑफिस भी जा रहे हैं, कुछ लोग जिन्हें कोरोना हो गया है, कुछ लोग जिन्हें आज तक कोरोना नहीं हुआ है और वो पहले पहले जाकर अपना टीकाकरण कर चुके हैं। बैलेंसिंग एक्ट। दूसरों के लिए पता नहीं, लेकिन मेरे लिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि आज मैं बहुत खुले दिमाग से सोचता हूँ कि मेरे पास एक काम है, मेरे पास एक रूटीन है और मैं मेहनत करने से नहीं डरता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादा सोचूँ नहीं, जो करना है कर लूँ। जब सुबह उठता हूँ रात की नींद, गहरी नींद के बाद में, तो मेरे पास एक काम होता है, उस काम पे जाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मेरे पास एक इंटरेस्ट कंपोनेंट भी है जिसको मैं अपने मनोरंजन के लिए लेके आता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लाइफ को यदि कंप्लीट और मीनिंगफुल होना चाहिए तो शायद आपका परिवार आज आपके साथ है। जो लोग हैं वो आपके अपने हैं, सगे हैं, खून हैं, उनको पहचानें, उनके प्यार को पहचानें, उनके करीब रहें और बैलेंसिंग एक्ट को घर से समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा एक छोटा सा प्रयास जो बैलेंसिंग एक्ट को समझाने के लिए उदाहरण की मदद से मैं आप तक पहुँचा पाया तो सार्थक हुआ। ख्याल रखिए।